ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान की टीम अभी तक उस तरह से स्टेबल नहीं हुई है जो कि वर्ल्ड कप से पहले जिस तरह से हो जाना चाहिए था। पाकिस्तान का अभी भी जो मैं समझता हूँ कि जो अभी वीक पॉइंट है वो यही है कि आई थिंक कि उनका जो मिडल ऑर्डर है वो काफ़ी देर से अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा। जैसे ही आप ऊपर से आपके रिजवान और बाबर जिस मैच में रन्स करते हैं उस मैच में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और उसमें आप रन्स कर बड़े रन्स कर सकते हैं, अदरवाइज़ जिस मैच में भी ये दोनों ऊपर से जल्दी आउट हुए हैं तो आप बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। तो आई थिंक ये इस चीज़ को देखते हुए वर्ल्ड कप अब सर पे है, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी आप नहीं कर सकते। मैं इसमें यही कहूँगा कि इनको कॉन्फिडेंस, जो भी टीम अब गई है हमें उन पर फेथ होना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस देना चाहिए और होप के वो राइट टाइम पे वहाँ पे क्लिक करें और अपनी जो भी आउट ऑफ फॉर्म है हमारा मिडल ऑर्डर वो अपनी फॉर्म बहाल शुएब करें। मलिक ने एक ट्वीट किया था और मैच के बाद लोग ये कह रहे थे कि अगर मिडल ऑर्डर की हालत यही है, आप कम से कम शुएब मलिक एक एक्सपीरियंस बैट्समैन है, उसको वर्ल्ड कप की स्क्वाड में शामिल करते ताकि कम से कम हमें यह अंदाज़ा होता कि हमारा मिडल ऑर्डर तो कमज़ोर नहीं रहा। तो शुएब मलिक के हवाले से क्या कहेंगे कि उनकी ट्वीट के बाद उनको ये सज़ा दी जा रही है या क्या आपका स्टांस उस पर क्या है? देखिए शुएब मलिक, मुझे उसका तो नहीं है इतना आइडिया कि उसको वो उसका मतलब रिएक्शन आ रहा है या उस ट्वीट का या क्या है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि शुएब मलिक एक एक्सपीरियंस प्लेयर है और उसने हमेशा मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और वो फिटनेस के हिसाब से भी मैं समझता हूँ कि वो बहुत, बल्कि बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनसे वो फिट होगा। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो है इसमें तो कोई शक नहीं है कि एक्सपीरियंस और फिटनेस उसकी बहुत अच्छी है, बट अगर वो अब टीम में नहीं है तो इट्स अप टू सिलेक्टर्स कि उन्होंने उसको नहीं रखा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि उस चाहिए कि जो भी टीम गई है अभी उसको जो है वो हमें बैक करना चाहिए और होपफुली कि वो अब जो है वो नेक्स्ट उसमें वो आपका टाइम करेंगे। होगा लास्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर को पाकिस्तान वर्सेज इंडिया T20 वर्ल्ड कप में मैच है, पाकिस्तानी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए उसमें मैं यही कहूँगा कि मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और पाकिस्तान की टीम ने अभी लास्ट T20 में भी इंडिया को शिकस्त दी है, तो आई होप कि वर्ल्ड कप में, वैसे वो मिथ टूट चुकी है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने कभी नहीं हराया, तो आई होप कि इसमें भी इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम अच्छा परफॉर्म करेगी।